अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज जुमे का दिन है, आज हम सब ने जुमे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में से ये जो कोरोना की बीमारी है इसको दूर कर दे हमेशा हमेशा के लिए, और अल्लाह ताला हम सब से जो कटाएँ हुई हैं हम सबको माफ़ कर दे, आमीन। जैसा कि मैं आपको नीचे वीडियो में दिखा रही हूँ, ये मैंने पुट का गोश है बकरे का, तकरीबन आधा किलो है वो रखा हुआ है। उसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, लहसुन है काफ़ी सारा, देसी अदरक है काफ़ी सारा, और तकरीबन तीन बड़े साइज़ के टमाटर हैं, और दो गिलास भर के पानी के मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, ये सारा बता रही हूँ, ये मैं बना के आ रही हूँ। मैं बना रही हूँ कचनाल गोश्त, ये देखें ये मेरे पास, ये मैंने इसको साफ़ करके तोड़ के डंडियाँ लगी होती हैं इसको कचनाल को रख लिया। आधा किलो कचनाल है, आधा किलो बराबर का गोश्त पड़ता है बल्कि डबल पड़ता है, साथ इसमें आधा किलो ही दही जाएगा बुनाई के टाइम। मसाले इसमें जाएंगे, लाल मिर्च है दो चम्मच, या अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालनी होती है, एक आइडिया ही देना होता है। नमक है, हल्दी है, और ये कढ़ाई मसाला है, ये चीज़ें गई इसमें। बस अब मैं कुकर बंद कर दूंगी, 10 से 15 मिनट में गोश्त गल जाएगा, फिर उसके बाद इसको खोल के ऑयल डाल के इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, सारी सब्ज़ मिर्चें डाल के तो इसकी बनाई शुरू करेंगे, और साथ इसमें दही डालेंगे, एंड पे हम कचनाल इसमें ऐड करेंगे, और ये देसी घी से बनती है कचनाल। तो मैं गोश्त गला के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये कुकर खोला है, 15 मिनट में ये जो है ना गोश्त गला है, इसमें ऑयल की एक दोई डाल दिए। अब इसमें जाएगी काली मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पूरा एक चम्मच, सूखा धनिया एक चम्मच, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। सब्ज़ मिर्चें मैं काटती हूँ, जितनी देर में ये पानी इसका खुश्क होता है सब्ज़ मिर्चें काट के उसकी बनाई शुरू करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के डाली हैं, चार छोटी तेज़ वाली फ्रेश मिर्चें थी, वरना इसमें वो मैंने फ्लेक्स डाल देना था। अब इसी टाइम पे ही इसमें ये दही जाएगा, ये पूरा बाउल भर के दही का रखा हुआ, ये दही जाएगा इसके साथ में। इसमें ये मक्खन है मेरे पास, ये जाएगा दही। अभी दही थोड़ा इसमें रस था क्योंकि गोश्त पहले ही भून लिया था, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी, मक्खन भी डाल दिया था, अब कचनाल भी डाल दिया। अब इस आँच हल्की कर देंगे, हल्की आँच पे इसको ना कचनाल को गलने के लिए छोड़ देना है। अगर तो ना गली इसी में दही के पानी में तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, वरना इसी में ये गल जाएगी उम्मीद है मुझे। ये जी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें धनिया ढेर सारा डाला है, इसमें मैंने खैर से आधी चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया था, इसमें जो मक्खन डाला था वो सारा ऐसे सामने आ गया, बस ये तैयार है। ये इसी अपने दम में ही दही डाला हुआ था ना, दही के पानी में ये जो है कचनाल गल गई है, तो ये बेहतरीन साधन तैयार हो गया हमारा। खाने में बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी होता है, गोश्त इसमें बुना हुआ होता है, और कचनाल के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ये हमारे तो बड़े यही कहते आए हैं कि इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये खानी चाहिए खानी चाहिए, तो लिहाजा ये आपको डिश मैंने सिखा दी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से बना के, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बाकी आज जुमातुल मुबारक है, अब नमाज़ तो मैं पढ़ रही हूँ, बाकी भी सारे इज़्कार कर लिए, कलमे का होता है, इस्तग़फ़ार होता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह होता है, तो अब असर के बाद इंशाल्लाह ताला 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी वो ज़रूर पढ़िएगा, और जो आपकी ख्वाहिश हो अल्लाह ताला से तलब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।